हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए LIC का नया प्लान लेके आई हूँ जो 15 मार्च को लॉन्च होने जा रहा है। ये प्लान है बचत प्लस प्लान टेबल नंबर 861। ये प्लान गारंटेड प्लान है और इस प्लान में आप अपनी हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी सारी जिम्मेदारियों को कवर कर सकते हैं। LIC साल में एक बार कोई ना कोई प्लान लॉन्च करती है, वो भी एक लिमिटेड पीरियड के लिए लिमिटेड ऑफर में। बचत प्लस प्लान केवल 180 दिन यानी सिर्फ 6 महीने के लिए लॉन्च किया गया है और इसे क्लोज एंडेड प्लान कहते हैं, यानी जो प्लान एक लिमिटेड टाइम के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है उसे हम क्लोज एंडेड प्लान कहते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति इस प्लान में इंटरेस्टेड है तो उसे 6 महीने का ही टाइम है, एक लिमिटेड पीरियड का टाइम है कि वो इस प्लान को ले सकता है, क्योंकि 6 महीने बाद या 180 दिन बाद ये प्लान बंद हो जाएगा। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं और जैसे आप देखते हैं कि कोई स्पेशल ऑफर आए या कोई बिग सेल आई है तो तुरंत आप शॉपिंग करने भागते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय अगर हम शॉपिंग करते हैं तो हमें काफ़ी डिस्काउंट मिल जाता है जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, और एक लिमिटेड ऑफ़र होता है। पूरे साल में ये ऑफ़र अवेलेबल नहीं होता है, साल में केवल एक या दो बार ये ऑफ़र्स आते हैं और हम भाग के शॉपिंग करने के लिए उसे ग्रैब कर लेते हैं उस ऑफ़र को। सेम वे LIC में भी है। LIC साल में एक बार एक ऑफ़र की तरह इस प्लान को निकालती है और जो ये इस फ़ायदा उठा सके तो उसे काफ़ी अच्छे फ़ायदे में वो इस प्लान को ले लेता है। चलिए डिटेल में हम इस प्लान के बारे में समझते हैं। इस प्लान को आप दो ऑप्शन में ले सकते हैं। फर्स्ट है सिंगल प्रीमियम ऑप्शन। इस ऑप्शन में केवल एक बार पैसा जमा करके आप इस प्लान को ले सकते हैं। और दूसरा है रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन। इस ऑप्शन में आप लगातार 5 साल पैसा जमा करके इस प्लान को ले सकते हैं। इन ऑप्शन में हमें आगे भी ऑप्शंस मिलते हैं जो रिस्क कवर से रिलेटेड होते हैं, तो आगे आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। पहले ऑप्शन में यानी सिंगल प्रीमियम ऑप्शन में आपको दो ऑप्शन और मिलते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। अगर आप ऑप्शन ए चूज़ करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड का 10 times रिस्क कवर मिलता है, और अगर आप ऑप्शन बी चूज़ करते हैं तो आपको सम एश्योर्ड का 1.25 times रिस्क कवर मिलता है। इंश्योरेंस लेने की मिनिमम एज दोनों ही ऑप्शन में 90 days होगी और मैक्सिमम एज ऑप्शन ए के लिए 44 years और ऑप्शन बी के लिए 70 years होगी। मिनिमम मैच्योरिटी एज दोनों में ही 18 साल होगी। चलिए पॉलिसी टर्म के बारे में बात करते हैं। 40 years के व्यक्ति 10 years से लेकर 25 years तक ये प्लान ले सकते हैं, और जो 40 years से ऊपर है यानी 41 years से लेकर 44 years तक के व्यक्ति इसे दो तरीके से, दो ऑप्शन में ले सकते हैं। पहले ऑप्शन में 10 years से लेकर 16 years तक वो ये प्लान को ले सकते हैं, और दूसरे ऑप्शन में 10 years से लेकर 25 years तक ये ऑप्शन में इस प्लान को लिया जा सकता है। मिनिमम सम एश्योर्ड इस प्लान में 1 lakh rupees है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें लोन 3 months बाद ले सकते हैं और सरेंडर आप इसे किसी भी टाइम करवा सकते हैं। मैच्योरिटी आपको बेसिक सम एश्योर्ड को साथ लॉयल्टी एडिशन मिला के मिलती है। अगर आप इस पॉलिसी को सरेंडर कराना चाहते हैं तो पहले साल में सरेंडर वैल्यू 75% और बाकी साल में सरेंडर वैल्यू 90% हो जाती है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ पढ़ते हैं जो है रेगुलर प्रीमियम मोड। इसमें भी हम दो ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन 1 में आपको आपके जमा प्रीमियम का 10 गुना या सम एश्योर्ड जो ज़्यादा हो उतना इंश्योरेंस कवर या रिस्क कवर मिलेगा, और ऑप्शन 2 में आपको आपके जमा प्रीमियम का 7 गुना या सम एश्योर्ड जो भी ज़्यादा हो उसका रिस्क कवर मिलेगा। ऑप्शन 1 में मिनिमम एज 90 days और ऑप्शन 2 में मिनिमम एज 40 years होगी। ऑप्शन 1 में मैक्सिमम एज 60 years और ऑप्शन 2 में मैक्सिमम एज 65 years होगी। रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन में मिनिमम मैच्योरिटी ऑप्शन 1 के लिए 18 years, 2 के लिए 50 years होगी। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज ऑप्शन 1 के लिए 75 और ऑप्शन 2 के लिए 80 years होगी। पॉलिसी टर्म इसमें 10 से लेकर 25 ईयर्स तक ले सकते हैं दोनों ही, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों में ही।
और पीपीटी यानी प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का ले सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस में। प्रीमियम मोड आप इसमें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली ले सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख, मैक्सिमम सम एश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। लोन इसमें आप 2 साल बाद ले सकते हैं और आप इसको सरेंडर भी 2 साल बाद करवा सकते हैं। मेच्योरिटी आपको बेसिक सम एश्योर्ड को मिला के, लॉयल्टी एडिशन को मिला के मिलती है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल हमने सिंगल प्रीमियम मोड के हिसाब से लिया है, जिसमें टर्म हमने 10 साल का लिया है, सम एश्योर्ड 1 लाख है। इसमें अगर आप 8 ईयर्स यानी 8 साल के बच्चे के लिए ये प्लान लेते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम यानी एक बार में जो पैसा जमा करना होगा वो है 68,751 रुपीज़। और अगर यही प्लान अगर आप 44 ईयर्स के व्यक्ति के लिए लेते हैं तो आपको एक बार में जमा करना होगा 92,435 रुपीज़। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया है रेगुलर प्रीमियम के लिए, जिसमें टर्म 20 साल है और सम इश्योर्ड 5 लाख है और पीपीटी प्रीमियम पेइंग टर्म इसमें 5 इयर्स है। इसमें अगर आप 8 इयर्स के बच्चे के लिए ये प्लान लेते हैं तो आपको एयरली प्रीमियम जो जमा करना होगा वो है 50,500 रुपीज़। और अगर यही प्लान आप 40 इयर्स के व्यक्ति के लिए लेते हैं तो आपको एयरली प्रीमियम में जमा करना होगा 52,929 रुपीज़। इस प्लान से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट बात है कि सिंगल प्रीमियम ऑप्शन बी और रेगुलर प्रीमियम में ऑप्शन 2 में आपको फुली टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C और 10D के तहत नहीं मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।